वीडियो की शुरुआत में थोड़ा सा ज्ञान है, पर प्लीज झेल लीजिए। इसलिए झेल लीजिए कि आपको पता चले कि देश के एक कोने में कुछ लोग हर साल कितना कुछ झेल रहे हैं। News from Assam now, where 28 people have reportedly died in the flood. These people were forced to flee their homes when flash floods created havoc in their villages, and they're right now. The flood waters may be receding a little in Assam, but for those displaced by the floods, returning to the normal. कुछ समझ आया कि झेलना क्यों जरूरी है? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वीडियो सिर्फ असम में आई बाढ़ पर है, तो ऐसा नहीं है। ये वीडियो फ्लड जैसे सेंसिबल इशू पर इंडियन मीडिया की उदासीनता का है, इंडियन न्यूज चैनल्स के उस कोल्ड और केयरलेस तरीके का है, जिसके चलते लोगों को पता ही नहीं चला कि लाखों जिंदगियां एक झटके में कैसे तबाह हो गईं। खुद से पूछिए कि क्या आपने असम में आई बाढ़ पर हेडलाइंस के अलावा कुछ और देखा या सुना? अगर नहीं तो बधाई हो, क्योंकि आगे भी ऐसे ड्रास्टिक सीन्स क्रिएट होते रहेंगे और जनता को हवा नहीं लगेगी। बात की शुरुआत करते हैं एक सवाल से। इस बार असम में आई बाढ़ कितनी भयानक थी? 55 लाख लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा, 1,20,000 घर पानी में डूबे, दक्षिण असम का सबसे बड़ा शहर सिलचर पानी में डूब गया, लगभग 200 लोग मारे गए और इंसानों के साथ साथ 60,000 पालतू जानवर बाढ़ के साथ बह गए और जंगली जानवरों का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं है। रिपोर्ट्स में तो यहां तक क्लेम किया गया है कि 2022 की बाढ़ आजादी के बाद आई सबसे एक्सट्रीम फ्लड्स में एक है। असम में आने वाली बाढ़ कई सालों में एक बार आने वाली मुसीबत नहीं है, पिछले कुछ सालों से लगातार बाढ़ आ रही है। अब हालत यह है कि साल भर में कई बार बाढ़ आ जाती है। फ्लड असम के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, ये समझने के लिए यहाँ की ज्योग्राफी को समझना जरूरी है। यू शेप की घाटी वाले असम को हिमालय का नया हिस्सा माना जाता है। शेप ऐसी है कि तिब्बत, अरुणाचल, भूटान और सिक्किम का स्लोप असम की तरफ है, यानी कई जगहों का पानी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलकर असम की तरफ बढ़ता है। यहाँ चाय के बागान भी हैं, वह भी ऊंचाई पर, लेकिन वहां रहना बेहद मुश्किल है और जमीन दो हिस्सों में बटी है, आधा जंगल और आधा पानी यानी नदियां। नदियां भी एक दो नहीं, 20 मेजर रिवर्स, 50 ट्रिब्यूटरीज और इन सबसे बड़ी एक ब्रह्मपुत्र। इतना ही नहीं, इसी जमीन में खेती भी करनी होती है। ये भी बताते चलें कि स्टेट की 75% पॉपुलेशन का सहारा एग्रीकल्चर है। असम का 40% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है और ये पूरे देश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का 10% है। पिछले 100 सालों में असम ने बाढ़ की भारी कीमत चुकाई है। कैसे? असम में बाढ़ का सिलसिला 1954 से चल रहा है, 1954 से। तब से लेकर अब तक कुल 4,00,000 हेक्टेयर जमीन तबाह हो चुकी है। आसान भाषा में कहें तो स्टेट की 7% जमीन बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। हर साल आने वाली बाढ़ ने राज्य में कुछ एवरेज भी तैयार किए हैं। जैसे बाढ़ की वजह से हर साल लगभग 50 लोगों की मौत होती है, बाढ़ की वजह से ही हर साल लगभग 2,000 गांव प्रभावित होते हैं, बाढ़ हर साल 26,00,000 लोगों को प्रभावित करती है। असम में बाढ़ ने अब तक 3,800 स्क्वायर किलोमीटर खेती की जमीन तबाह की है। इसे आसान भाषा में समझना हो तो जितना बड़ा गोवा है, असम की उतनी एग्रीकल्चर लैंड बाढ़ की वजह से खत्म हो चुकी है। और ऐसा तब हुआ है जब स्टेट की इकोनॉमी का एक बड़ा बेस एग्रीकल्चर है। अब फ्लड से होने वाले फाइनेंशियल लॉस पर भी बात कर लेते हैं। 1998 में 500 करोड़ और 2004 की बाढ़ में असम को 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2012 में वही नुकसान 3200 करोड़ रुपए हो गया और 2022 की बाढ़ में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऑन एन एवरेज बाढ़ की वजह से असम को हर साल लगभग 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता ही है। 2017-18 के आर्थिक सर्वे के हिसाब से असम ने टोटल इतने सालों में भीषण बाढ़ का सामना किया है। पहले फ्लड की स्थिति ऐसी थी कि ये 4-5 साल में एक बार आती थी, अब हालात पूरी तरह अलग हैं। अब एक साल में 2-3 बार बाढ़ आ जाती है। असम फ्लड का एक और बड़ा फैक्टर है ब्रह्मपुत्र, ऐसी नदी जिसका बेसिन 4 देशों में फैला हुआ है, भारत, चीन, बांग्लादेश और भूटान। हर जगह का क्लाइमेट अलग है। ब्रह्मपुत्र का नाम दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में शामिल है। इस नदी की औसत चौड़ाई 5.5 किलोमीटर है, लेकिन कुछ जगहों पर यह 15 किलोमीटर भी है। पिछले कुछ सालों में ब्रह्मपुत्र का कवर एरिया 57% बढ़ा है,
यानी ठीक डबल हो गया है। इसका एक मतलब यह भी है कि असम का एक बड़ा एरिया ब्रह्मपुत्र में समा चुका है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर तेजी से बनते समुद्र का इनिशियल चैप्टर है। आने वाले समय में असम का एक बड़ा हिस्सा ब्रह्मपुत्र में होगा और काजीरंगा जैसी बड़ी बायोडायवर्सिटी, जिसे राइनोस का घर भी कहा जाता है, वो भी खत्म हो जाएगी। असम की बाढ़ के पीछे और भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे इतनी नदियों का बेसिन होने की वजह से मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश होती है। असम पहाड़ी इलाका है, इसलिए बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय के ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जंगलों का तेजी से कटना और नदी के किनारे बसाई गई कॉलोनीज। इन सब के अलावा चीन में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए गए बांधों को भी बाढ़ का बड़ा कारण माना जाता है। चलिए, हमने तो इतना ज्ञान दे दिया, आपने संभवतः ले भी लिया होगा, पर क्या इतना बहुत है? एक वीडियो से बात बन जाएगी, बदलाव आ जाएगा, या कुछ और वीडियो बना दिए जाएंगे तो समस्या हल हो जाएगी? सीधा जवाब है नहीं, अब एक नो। असल मायनों में ये मास के इश्यूज हैं जो क्लास के इशू बनकर रह गए हैं। इनका जनरलाइजेशन बहुत जरूरी है। ये जिम्मेदारी इंडियन मीडिया की थी, है और रहेगी। तो यहां इंडियन न्यूज चैनल से कुछ सवाल हैं। कितने डिबेट्स या पैनल डिस्कशन में असम फ्लड पर बात हुई? कितने प्राइम टाइम में असम फ्लड को एड्रेस किया गया? कितने स्पेशल पैकेजेस बने असम फ्लड के नाम से? कितने रिपोर्टर्स को ग्राउंड पर लोगों का हाल लेने के लिए भेजा गया? क्या एक स्टेट में आने वाली बाढ़ एक्सक्लूसिव बनना डिजर्व नहीं करती है? क्या बाढ़ पर हेडलाइंस नहीं बननी चाहिए? ये सब तो फिर भी टेक्निकल बातें हैं। थोड़े ही समय में दो बार आई बाढ़ को कितनी बार एक न्यूज की तरह ट्रीट किया गया? कितनी बार असम वालों को ऐसा फील कराया गया कि देश को उनकी फिक्र है? पहली बार में इतने सवाल इंपल्सिव साउंड कर सकते हैं, पर इलॉजिकल नहीं। और मेरी बातों पर जरा भी संदेह हो तो YouTube पर जाइए और कीजिए टाइप असम फ्लड, फिर करिए स्क्रॉल और खोजिए कि TRP के चार्ट्स में टॉप करने वाले बड़े बड़े चैनल्स का असम फ्लड पर कोई वीडियो नजर आता है क्या? हाँ, गूगल पर कुछ आर्टिकल जरूर मिल जाते हैं, जल्दीबाजी और कुछ शब्दों में समेटे गए। दुनिया जहान के मसलों पर बहस करने वाले मीडिया हाउसेस बाढ़ जैसे गंभीर मुद्दे पर बहस क्यों नहीं करते हैं? सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? आयरनी इज कि वो सवाल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम जैसों को सवाल उठाने पड़ते हैं। पता नहीं मीडिया इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को मेन स्ट्रीम का हिस्सा क्यों नहीं बना पाई। पूरे सिनेरियो में मीडिया से बड़ी विलेन है सरकार। सरकारें चाहती तो बात इतनी न बिगड़ती, लेकिन सरकार की गलतियां एक्सप्लेन करने के लिए अलग वीडियो की जरूरत होगी। असम फ्लड पर इंडियन मीडिया से किए गए सवालों को ऐसे भी देखा जाना चाहिए कि डेमोक्रेसी का एक पिलर अपनी जिम्मेदारियों के लिए कितना ईमानदार है, अपने सवालों की डिलीवरी को लेकर कितना लॉयल है, अपनी ड्यूटीज, एंड आई रिपीट, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कितना सीरियस है। शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, पर कभी कभी ज्यादा होना चलता है। किसी ने उस चैनल में ही सुना था, बात करने से बात बनती है। ओह सॉरी, दूरदर्शन पर सुना था।